नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता से बड़ी खबर है, जहां एक होटल में पुलिस द्वारा छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तीन युवतियों सहित चार युवक भी गिरफ्तार। मौके से तमाम आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, होटल को सीज किया गया है। नानकमत्ता शिवम वाटिका में रात में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और नानकमत्ता पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर तीन युवतियों सहित चार युवकों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है और तमाम आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। गिरफ्तार युवकों में अखिलेश मिश्रा नानकमत्ता का रहने वाला है और एक विद्यालय का प्रबंधक भी है। अखिलेश मिश्रा होटल का संचालक भी है, जहां से सेक्स रैकेट संचालित कर रहा था। वहीं होटल का रिकॉर्ड पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं इस मामले में सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि नानकमत्ता में अखिलेश मिश्रा के होटल शिवम वाटिका में छापेमारी के दौरान चार युवक और तीन युवतियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अनैतिक देह व्यापार के धंधे में लिप्त पाए गए हैं। होटल को सीज कर दिया गया है और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमें ये सूचना मिली थी, जिसमें थाने की टीम गई, ये शिवम वाटिका होटल है नानकमत्ता में, जिसके मालिक अखिलेश मिश्रा जी है। तो होटल में छापा मारा, वहाँ पर जो है तीन लड़कियाँ और चार लड़के पकड़े गए हैं। एक लड़की झारखंड की है और एक दिल्ली की और एक जो है वो हरियाणा की लड़की है, जो अनैतिक देह व्यापार के धंधे में जो है वो लिप्त मिली है। और सर लड़के पिथौरागढ़ के हैं, वो अपने को जो है पिथौरागढ़ जनपद के बता रहे हैं लड़के। सर जो होटल पर कोई कार्रवाई की गई है, सीज की कार्रवाई इसमें कोई की है? हाँ, होटल पर सीज की कार्रवाई कर दी गई है। और कौन से अभियुक्त इसमें अनैतिक देह व्यापार से संबंधित जो है धारा में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, आगे की पैदानी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।